उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली पुलिस ने आज एक बाइकर्स गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने पकड़े गए 4 अभियुक्तों के पास से 10 बाइकें बरामद की है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस जब अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि आम गांव 13 इनके पास एक बाइक चोर गिरोह का मौजूद है, जो चोरी की बाइक लिए हुए है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जब दबिश की तो 4 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक अस्पहा व कारतूस भी बरामद किया है। हमीरपुर SP शुभम पटेल ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए 4 अभियुक्तों में से एक उनका सरगना ओम प्रकाश है, जो झांसी जिले में सुरसराय थाना का रहने वाला है। इसके खिलाफ झांसी में ही गंभीर धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज हैं और अब एक हमीरपुर में दर्ज किया गया है। राघवेंद्र के साथ ही उसके 3 साथी अंशुल यादव, गंगाचरण और प्रदीप राजपूत भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन सबके पास से 10 बाइकें बरामद हुई हैं। जनपद हमीरपुर में थाना राठ क्षेत्र में एक ही अंतरराज्यीय बाइक वाहन चोर का गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 4 अभियुक्त जो अरेस्ट हुए हैं, 10 मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पर बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 मोटरसाइकिल इन्होंने झांसी जनपद से चोरी की थी और 4 मोटरसाइकिल थाना राठ क्षेत्र से की थी। अन्य जो मोटरसाइकिल हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। तो कुल 10 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई हैं, इस क्रम में जो इन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं अब तक, साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी जो भी अवैध संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा और इस गुटवर्क से अवश्य ही थाना राठ क्षेत्र में जो भविष्य में होने वाली चोरियाँ हैं उन पर उनको नियंत्रण करने में इसमें सफलता मिली। तो मैं थाना राठ पुलिस को इस गुडवर्क के लिए बधाइयां देता हूं। सर, गैंग के साथ और इसमें कुल 4 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं और अभी जो पूछताछ में आया है कि एक अन्य व्यक्ति है तो वो अभी वांछित है, तो उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही थाना पुलिस की टीम को इस गुडवर्क के लिए उनको 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जा रही है। ये सभी नए उम्र के ही लड़के हैं, जिनकी उम्र लगभग 20 साल से लेकर 22-23 साल तक की है। तो अभी फ़िलहाल इनकी कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं है, परंतु हम अन्य जनपदों से भी चेक कर रहे हैं, यदि कहीं पर हिस्ट्री होगी तो उसको भी सम्मिलित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।